को साफ पानी की फराहमी का ख्वाब अधूरा। वासा का बड़ा मंसूबा बजट में शामिल होने के बावजूद ड्रॉप। 3 सालों में मंसूबे पर कोई पेशरफ ना हुई। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इलाकों में साफ पानी की फराहमी का प्लान तैयार किया गया। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। गंदम की इमदादी कीमत 300 रुपए फीमन बढ़ाने का फैसला। गंदम की नई कीमत 2500 रुपए फीमन करने की सिफारिश। वजीर अला पंजाब की कायम करदा कमेटी ने सिफारिशात वजीर अला पंजाब को भिजवा दी। गंदम की नई कीमत बढ़ाने का हतमी फैसला चौधरी परवेज इलाही करेंगे। गंदम की कीमत बढ़ने से आटा मजीद महंगा होने का इम्कान। महंगाई ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.31% इजाफा। महंगाई की मजमू शरह 45.5% तक जा पहुंची। आटा, टमाटर, चिकन, अंडे और दालों की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ। 15 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वफाकी इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतों को आग लग गई। प्याज 162, टमाटर 210, लहसुन 290 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी नरखनामों में 16 सब्जियों की कीमतें मजीद बढ़ गई। मुर्गी का गोश्त 10 रुपए सस्ता होकर भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। ब्रायलर 356 रुपए फी किलो। पंजाब हुकूमत पाकिस्तान के दिल पर मेहरबान। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने का प्लान। 4 अरब 60 करोड़ 94,72,000 रुपए के फंड मुख्तस। मंजूर शुदा फंड से 20 जारी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होंगे। 8 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी। शेरावाला फ्लाईओवर, लाहौर ब्रिज, सगिया रोड, समनाबाद अंडरपास, इंडस्ट्री ब्यूटर भी करोड़ों रुपए मंजूर। म्योहा अस्पताल की टूटी फूटी रोड अब जल्द नई तामीर होगी। लाहौर न्यूज की निशानदेही पर डीसी ने सड़क को कारपेट करने का हुक्म दे दिया। डीसी लाहौर मोहम्मद अली का म्योहा अस्पताल रोड का दौरा। कहते हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने रोड का तखमीना 1,59,00,000 लगाया। वासा ने 1.5 साल कबल सेवरेज लाइन बिछाई थी। सड़क की तामीर के रेट दोबारा लगाने से थोड़ी ताखीर हो सकती है। एलपीजी की कीमत में होशुबा इजाफा जारी। माफिया मुमांगी कीमत वसूल करने में मसरूफ। शहर में एलपीजी 280 रुपए फी किलो फरोख्त। कीमतों में इजाफे से घरेलू सार्फीन और रिक्शा ड्राइवर परेशान। हुकूमत से गिराफ रोशों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालिबा। सैलाब से सिंध और जनूबी पंजाब के अजला शदीद मुतासर हुए। 2 अजला में 1 लाख कच्चे घर सफाई हस्ती से मिट गए। डेरा गाजी खान में इमदादी सामान पहुंचाना मुश्किल है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गुज़श्ता हुकूमत के IMF मुआहदे का हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। नूली के रहनुमा अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महकमे सोशल वेलफेयर और NGOs के इश्तराक से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर की जिरे निगरानी पंजाब भर से सैलाब ज़दा इलाकों में 40 ट्रक सामान रवाना किया गया। इमदादी सामान में पानी की बोतलें, कपड़े, जूते, मच्छरदानियां, मिल्क पैक्स, अद्वियात, खैमे और राशन बैग भी शामिल। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पूरी कौम पेश। अद्वियात, पानी की बोतलें, कंबल, खाने पीने की चीजें और दीगर सामान का अतिया। पाक फौज, पंजाब रेंजर्स, ताजर, सियासी और मजहबी जमातों के कैंप पर इमदादी सामान जमा। सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सामान की तरसील भी जारी। फवाद चौधरी के गलत मशवरों का PDM को फायदा हो रहा है। वजीर आला और उनके बेटे ने किसी आफत ज़दा इलाका का दौरा नहीं किया। पाकिस्तानी कौम इस वक्त बेसरोसमानी की हालत में है। इमरान न्याजी का एक जलसा 20 से 25 करोड़ रुपए में बढ़ता है। PTI अपनी सियासत बचाने के लिए जलसे कर रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीगी रहनुमा हकायक को मसख करके पेश करते हैं। ज़राअत तिजारत के शोबों में नुमाया तरक्की हो रही थी। इमरान खान वाहिद लीडर है जो मुश्किल हालात में भी मुल्क से नहीं भागा। इमरान खान सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कोशा है। मुशीर इत्तला पंजाब उमर सरफराज चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम जमातों को मिलकर फैसला करने की जरूरत है। बदकिस्मती है जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर सकता है उसे जलील किया जाता है। जो लोग कुर्सी पर बैठते हैं वो समझते उन्हें यहाँ से जाना नहीं। साबिक दौरे हुकूमत में 30 कवानीन में तरामीम की गए। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह का लाहौर चैम्बर में तकरीब से खिताब। वासा के चार मुलाजमीन का जाली डिग्री पर तरक्की लेने का इंकशाफ। कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। ग्रेड 7 में भर्ती होने वाले मुलाजमी ने जाली तौर पर ग्रेड 17 में तरक्की हासिल की। वासा इंतजामियों का अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने का हुक्म। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत से सिक्योरिटी की फराहमी का मुतालिबा कर दिया। सदर YDA डॉक्टर हसीब कहते हैं अस्पतालों में डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए कोई इंतजाम नहीं। हुकूमत से मुतालिबा है डॉक्टर्स को मुस्तकिल किया जाए, अलाउंसेस दिए जाएं। अस्पतालों में सिर्फ मरीजों का नहीं मुजरमों का भी इलाज करते हैं। कई अस्पतालों में सिक्योरिटी इंचार्जेस की सीटें ताहाल खाली हैं। मैट्रिक और इंटर के पेपर्स की रीचेकिंग फीस में 400 रुपए का इजाफा। पेपर्स की रीचेकिंग फीस 1100 रुपए फी पेपर हो गई। इससे कबल पेपर की रीचेकिंग के लिए 700 रुपए फीस रखी गई थी। अट्ठाईस नायब तहसीलदारों की पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती। नायब तहसीलदारों को लाहौर डिवीजन में तैनात किया जाएगा। नायब तहसीलदारों में आमिर इकबाल, मोहम्मद आमिर, ओवैस और अली रजा भी शामिल हैं।